कल हुए बवाल के निशान आज भी बने हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर यूं तो शांति बहाल हो चुकी है। आईटीओ और लाल किले को उपद्रवी किसानों से खाली करा लिया गया है। सारे किसान बॉर्डर पर लौट चुके हैं। लाल किले पर अभी भी भारी पुलिस बल की तैनाती है। दिल्ली के कई रास्ते एहतियातन आज बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो कनॉट प्लेस की तरफ जाता है उसे बंद कर दिया गया है। आईटीओ से इंडिया गेट की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। मिंटो रोड से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाला रास्ता भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद है। वहीं दिल्ली से यूपी जाने वाला नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 बंद कर दिया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों के लिए आनंद विहार का रास्ता खुला हुआ है। तमाम अपडेट्स और रूट्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज ट्रैफिक के मद्देनजर कई डायवर्जन कर दिए गए हैं, कई रूट्स को बंद कर दिया गया है। कल के बवाल के मद्देनजर आज तमाम एहतियातन इंतजाम कर लिए गए हैं। आईटीओ और लाल किले से अब किसान लौट चुके हैं, वहां शांति बहाल हो चुकी है। कल के उपद्रव के बाद अब स्थिति सामान्य नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा के भारी बंदोबस्त हैं। लाल किले पर इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। एहतियातन दिल्ली की कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। वो रूट्स भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर इस वक्त आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि इन रूट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली का सेंट्रल इलाका है जहां पर कल उपद्रव किया था किसानों ने, वहां पर इस वक्त जबरदस्त सुरक्षा की तैनाती कर दी गई है। आईटीओ से इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। लाल किले पर सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं आपको ये बता दें कि एहतियातन दिल्ली की कई सड़कें बंद की गई हैं ताकि वहां पर किसी की आवाजाही ना हो सके, सिर्फ सुरक्षा बल वहां पर मौजूद रहे। दिल्ली से यूपी जाने वाला आनंद विहार का रास्ता हालांकि खुला हुआ है, जो डायवर्जन रूट्स हैं वो भी बता दिए गए हैं। कल के बवाल के बाद सेंट्रल दिल्ली खासतौर पर इसको जोड़ने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं। आईटीओ और लाल किले पर इस वक्त आरएएफ और सीआरपीएफ की तैनाती। तो छावनी में तब्दील हो चुका है लाल किला। ये तस्वीरें हम आपको लाल किले के दिखा रहे हैं जहां पर कल के बवाल के बाद, कल के संग्राम के बाद आज वहां पर छावनी में एक तरीके से लाल किला और आसपास की सड़कें नजर आ रही हैं। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, आरएएफ की टुकड़ियां, सीआरपीएफ के सुरक्षा बल वहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में मौजूद हैं। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए इस तरह की तैनाती की गई है। कल आपको बता दें कि एक बैठक भी की गई थी जिसमें समीक्षा की गई थी कि कैसे दिल्ली के इन वीआईपी एरियाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वहां पर कैसे फोर्सेस की तैनाती की जाए। 26 जनवरी को इस लाल किले में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। तस्वीरें जो सामने आई जिसमें लाल किले में जो उपद्रवी थे वो दाखिल हो गए, जमकर तोड़फोड़ की, लाल किले पर जो झंडा था वो फहरा दिया था। उसके बाद यहाँ पर जमकर हिंसा हुई थी। काफी वक्त तक जो प्रदर्शनकारी थे, जो उपद्रवी थे, वो लाल किले को एक तरीके से कहें तो हाईजेक कर चुके थे। उसके बाद कल देर रात सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया यहाँ से। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो भारी पुलिस बल है, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अब लाल किले में जब उपद्रवियों को खदेड़ा जा रहा था उस दौरान कई पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें भी आई, उनको गंभीर चोटें भी लगी। आपको बता दूं कि जो उपद्रवी थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लाल किले में घुस गए थे, जिसके बाद सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि देर रात तक कड़ी मशक्कत के बाद जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उपद्रवी थे, उनको लाल किले से हटा लिया गया है। ये जो जो एंट्री गेट है मेन लाल किले का, आप देख पा रहे ये बंद है। सिर्फ अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ पुलिसकर्मी ही पुलिसकर्मी वो आपको दिखाई देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो ही आपको दिखाई देंगे। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ लाल किले में उसने न सिर्फ देश को शर्मसार किया बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा था। उसके अलावा लाल किले पर हमेशा से सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता होती है, बावजूद इसके जो तय रूट था उसको तोड़ते हुए जो एनओसी थी दिल्ली पुलिस के साथ, जो 37 शर्तों के साथ जो एनओसी दी थी दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च की, उन तमाम नियमों को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी न सिर्फ लाल किले के अंदर दाखिल हुए, जो लाल किले की प्राचीर पर आप तिरंगा झंडा देख पा रहे होंगे सामने की तरफ, उस झंडे की जगह अपना झंडा लहराया,
उसके अलावा यहाँ पर जो टिकट काउंटर है उसमें जमकर तोड़फोड़ की, अंदर कई जगह आगजनी की, और उसके बाद जब पुलिसकर्मी रोकने लगे तो उन पर पत्थर बरसाए, उन पर हमला किया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो लाल किले से सभी प्रदर्शनकारियों को निकाल दिया गया। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो दोनों सड़कें वहां पर ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से चालू है, लेकिन आईटीओ के अगर आसपास की बात की जाए तो वो रास्ता पूरी तरह से इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए। हालांकि तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना कि लाल किले का एंट्री गेट बंद कर दिया गया है, मेट्रो स्टेशन भी बंद है, और ट्रैक्टर मार्च के नाम कल हुए बवाल के पीछे जिम्मेदार कौन है ये हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में कल जो बवाल हुआ उसके पीछे दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, दीप सिद्धू और लखा सिंह सिधाना। दीप सिद्धू मॉडल और एक्टर रहे हैं जबकि लखा सिंह पंजाब का गैंगस्टर है। दोनों पिछले कुछ समय से किसान आंदोलन के सहारे सामाजिक कार्यकर्ता की छवि बनाने में जुटे हुए हैं। इस पर विस्तार से हम आपको डिटेल देंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए जानिए कि कैसे ये कल की घटना में इन्वॉल्व थे। ट्रैक्टर मार्च की आड़ में तोड़फोड़ का कसूरवार कौन है? किसानों की आड़ में देश को शर्मसार करने के पीछे कौन है? ये है दीप सिद्धू, एक्टर और कथित सोशल एक्टिविस्ट। दीप किसान आंदोलन में सक्रिय रहा है और आरोप है कि आईटीओ में किसानों को उकसाने और लाल किले पर शर्मनाक तमाशा खड़ा करने के पीछे यही शख्स है। जब इन लोगों का पता था भी इतनी फंडिंग इनके ऊपर आ रही है, पिछले हफ्ते एनआईए ने होम मिनिस्ट्री ने केस किया इस आदमी के ऊपर और कुछ आदमियों को, दीप संधू के ऊपर बाय नेम और इसके और लोगों के ऊपर, पर इन्हें उठाया नहीं, इन्हें पकड़ा नहीं। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू की तरह किसान नेता भी एक सुर से बवाल का ठीकरा दीप सिद्धू पर फोड़ रहे हैं। किसान नेताओं का दावा है कि वो दीप सिद्धू से पहले ही संबंध तोड़ चुके हैं। दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है, बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। ये वो दीप सिद्धू हैं जो प्रधानमंत्री के आवास के भीतर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं, आप खिंचवा सकते हो क्या? और ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं, माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? कैसे बोल रहे हैं? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? 26 जनवरी के बवाल पर दीप सिद्धू चौतरफा घिरे हैं, लेकिन खुद जिम्मेदारी से बचते हुए इस शर्मनाक घटना का बचाव भी कर रहे हैं। सुनिए दीप सिद्धू का बयान। जिस सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया और इसमें किसी एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसलिए किया, और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। प्रोटेस्ट, इट्स अ मास मूवमेंट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड डील विद इट विद लॉट ऑफ मैच्योरिटी। पिछले साल नवंबर में किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू सुर्खियों में आए थे जब एक पुलिस अफसर से अंग्रेजी में बहस करने का उनका वीडियो वायरल हुआ था। दीप सिद्धू को बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल का करीबी माना जाता है, लेकिन ताजा विवाद के बाद सनी देओल ने दीप सिद्धू के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया,
आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से ये साफ कर चुका हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के नाम पर दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे किसान नेता किनारा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा, अरविंद ओझा के साथ मौसमी सिंह, आज तक। तो कल के बवाल को लेकर दिल्ली के अलग अलग थानों में 15 FIR दर्ज हो चुकी हैं। इसमें गैंगस्टर लखा सदाना के नाम सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली में हिंसा के पीछे लखा सिधाना और उसके करीबियों के रोल की पुलिस जांच कर रही है। लखा सिंह सिधाना के बारे में हम आपको बता दें, लखा सिधाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं जिनमें हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे अपराध शामिल हैं। साथ ही लखा पर आर्म्स एक्ट के मामले भी दर्ज हो चुके हैं। इन मामलों में कई साल की सजा भी वो काट चुका है। ज्यादातर मामलों में गवाह या सबूत ना होने की वजह से लखा बरी भी हो चुका है। फिलहाल लखा पंजाब में गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता की छवि बनाने में लगा हुआ है। हाल ही में भटिंडा पुलिस ने लखा पर हाईवे के ऊपर लगे साइन बोर्ड पर कालिक पोतने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। लखा पंजाब में अंग्रेजी साइन बोर्ड पर सिर्फ पंजाबी भाषा लिखने की मांग कर रहा था। इन दिनों लखा किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के साथ लगा हुआ था और 3 कृषि कानून का लगातार विरोध कर रहा था। 130 से अधिक किसान शहीद हुए, कौन है उसका जिम्मेदार? आखिर 130 लोगों की कुर्बानी को आप पूरी तरह नकार देंगे? ये सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था हिंसा। जानबूझकर उस किसान आंदोलन में कुछ खास लोगों को भेजकर हिंसा फैलाने का और देश में भ्रम फैलाने की साजिश रची गई है। आंदोलन को कुचला गया है, दबाया गया है, दमन किया गया है। किसान आंदोलन में शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उनकी जायज लड़ाई जब तक यह बिल विधेयक वापस नहीं हो जाता, आवाज कांग्रेस पार्टी बुलंद करेगी। ट्रैक्टर परेड के नाम पे हुड़दंगियों ने दिल्ली में पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करी। पुलिस के ऊपर डंडे बरसाए गए कई जगह और ये सब कुछ हुआ मासूम किसानों के कंधे को प्रयोग करके। वो मासूम किसान, उनके कंधे की आड़ को लेकर के आज दिल्ली में अराजकता की हदें पार कर दी गई हुड़दंगियों के द्वारा। लेकिन ये घटना बहुत कुछ इशारा करती है मेरे भाई बहन, और हमें इसका ध्यान आज करना पड़ेगा वरना बहुत देर होगी। हमारे 3 संवाददाता इसमें तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता सत्येन चौहान जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार अभिषेक है। सबसे पहले सत्येंद्र, आप कल रुक करते हुए ये जो 2 प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, लखा सिंह सिधाना और साथ ही दीप सिद्धू, इनकी पृष्ठभूमि और राजनीतिक कनेक्शन के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए नेहा, जिस तरीके से अब ये पूरी जानकारी सामने आ रही है और दोनों ही दीप सिद्धू और लखा सिधाना फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में हैं और दोनों का इतिहास बता रहा है कि दोनों ही राजनीति में बड़े पद की महत्वाकांक्षा रखते थे। और सबसे हैरत की बात यह है कि दीप सिद्धू को किसान संगठनों ने बहुत पहले अपने इस आंदोलन से दरकिनार कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके जत्थों के साथ ना चल के दीप सिद्धू किसानों से पहले लाल किले पहुंच जाता है, वहां से एक बाइक पर भागता है और वहां लाउड स्पीकर और माइक लेकर पूरी भाषणबाजी करता है, जबकि किसान संगठनों ने पहले ही दीप सिद्धू से किनारा कर लिया था। सांसद अभिनेता सनी देओल, जिनका इसे करीबी कहा जाता था, और सांसद सनी देओल ने गुरदासपुर पठानकोट में प्रशासन को चिट्ठी लिख के दी हुई थी जिसमें यह कहा गया था मेरे बिहाफ पे जो है दीप सिद्धू मेरे हलके को देखेगा, लेकिन बाद में सनी देओल ने भी इनको दरकिनार कर दिया, किनारे कर दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से लखा सिधाना की छवि किसी से छुपी नहीं है, वो एक
तकरीबन 26 मामलों में पंजाब पुलिस के उस निशाने पर रहा है, कई साल जेल काट चुका है और रेडिकल से उसके गहरे संबंध रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे मामलों में इस पर फॉरेन फंडिंग के आरोप भी लगे हैं और किसान आंदोलन में भी लखा सिधाना आगे बढ़ चढ़कर किसानों को मोबिलाइज करता रहा। पंजाब में अलग अलग जगह जाकर भाषणबाजी की है और जिस तरीके के वो भाषण देता है वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो उसके सोशल मीडिया पर अभी भी चल रहे हैं जिसमें मीडिया कर्मियों को भी धमका रहा है और सीधे सीधे वो चुनौती दे रहा है कि तुम मेरे खिलाफ ये लिख रहे हो, मैं दोबारा लाइव पर आऊंगा और तब तक मैं चाहता हूं जो तुमने दिखाया है, जो तुमने छापा है इसे डिलीट कर लो, अगर तुमने ये डिलीट नहीं किया तो ये अच्छा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो छवि है वो अपने आप में बता रही है कि ये कहीं ना कहीं कट्टर संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के कंधे पर इन्होंने बंदूक रखी है। लौटूंगी मैं आपके पास सत्येंद्र, हमारे दो और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दीप सिद्धू पर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने संगीन आरोप लगाए हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है देखिए। जस्टिस जो रेफरेंडम 2020 जिसकी खालिस्तान की हम बात करते रहते हैं, वो लगातार कल रात को अपना लाइव शो चला रहा था, ये 11:30 की बात है, तो मैंने ये अब सुनना शुरू किया तो उन्होंने कहा भी अब जो स्टेज है, क्योंकि वो लगातार कब्जा पहले भी लीडरों ने बहुत बार इनको भगाया, वहां से कब्जा पहले भी ये करना चाह रहे थे वहां पे किसान लीडरों के स्टेज पे, लेकिन कल इन्होंने पूरी तैयारी करके पिछले 25 दिनों में लगे हुए थे तो वहां पे रात को 11:30 अनाउंस किया भी अब वहां पे कब्जा कीजिए। तो दीप सिद्धू है जो इनका एक मैं समझता हूँ एक खिडौना टॉय है इनका, बाकी उनके साथ जो लोग हैं मैं एक का नाम जानता हूँ, उन्होंने 12 बजे करीब ये बोल दिया भी यहां से हम किसान लीडर खदेड़ दिए गए हैं और कम्युनिस्ट लाल झंडे वाले भी भगा दिए, अब हमारा कब्जा हो चुका है। और इन्होंने उस टाइम बाद में अनाउंस किया, मैं आपको वीडियो ये अभी फॉरवर्ड करूंगा, ये कह रहे थे भी सुबह आपने लाल झंडा ना लाल किले के ऊपर झंडा लहराना है खालिस्तान का और उसकी प्राइज मनी 1,80,00,000। कौन कह रहा था कि प्राइस मनी 1,80,00,000 है? ये सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू है रेफरेंडम वाले 20 बिल ना ये टेलीकास्ट हो रहा था और वो मैसेज करते रहते हैं पंजाब में भी यहाँ झंडा लड़ाओ वहां लड़ाओ और ये सबसे बड़ा टारगेट इन्होंने ये दिया। हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सबसे पहले आशुतोष मिश्रा का रुख करते हुए सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, अब क्योंकि किसान वापस बॉर्डर पर लौट गए हैं और पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, कल तक जो उपद्रव हुआ है और जिस तरीके से लाल किले पर झंडा फहराया गया किसी खास संगठन का खास समूह का, उसे लेकर किसानों की क्या राय है? क्या वो इससे सहमत है या वो इससे पूरी तरीके से अलग है? नेहा, दरअसल अगर वास्तविकता की बात करें तो अब तक कोई किसान नेता सामने आने को भी तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव ने पूरी घटना की निंदा कर दी कि हिंसा नहीं चाहते थे। राज्यवाल जो है वो अब तक गायब है। दर्शन पाल कहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए अब तक किसान नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाय एट लार्ज जो सामने आया है वो ये कि हम ऐसी घटना नहीं चाहते थे। उसके बाद लखा सधाना का नाम योगेंद्र यादव ने ले लिया। दीप सिद्धू की जो तस्वीरें हैं जानकारियां हैं वो सब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। बहरहाल जानकारी हमारे पास ये है कि 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर जो पहले पंजाब के किसान यूनियन है जिसमें किसान संघर्ष मजदूर संघर्ष कमेटी भी है शामिल है, वही कमेटी जिसने कल 8 बजे पहल की थी, शुरुआत की थी बैरिकेड हटा करके आगे कूच करने की, जबकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका कॉल था कि हम 11 बजे तय समय पर जाएंगे, जैसे कि पुलिस से बातचीत हुई थी। लखा सिधाना दीप सिद्धू पर आरोप है कि ये चूंकि आगे गए थे इसी कमेटी में और जा करके सिंघू मुकरबा चौक के पास इन्होंने वहां सबसे पहले शुरुआत की और बैरिकेड्स हटा के वो रिंग रोड यानी बाएं हाथ की तरफ मुड़ गए, रिंग रोड की ओर आगे बढ़ते चले गए। बहरहाल 12 बजे पंजाब किसान ये जो पंजाब के यूनियन है इनकी बैठक है, 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। कई सारे सवाल ये पूछे गए हैं कि क्या उनकी ओर से भी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी, उनका अगली कार्यवाही क्या होगी, आंदोलन का आगे रुख क्या होगा। बीती रात को ट्रैक्टरों की संख्या मैं आपको बताऊं नेहा इतनी ज्यादा थी,
हालांकि सारे अंदर नहीं घुस पाए, रिंग रोड नहीं गए, जो उसमें ज्यादातर ट्रैक्टर थे उन्होंने मुकरबा चौक के पहले से ही सिविल लाइंस बुराड़ी के आसपास से यू टर्न लेना शुरू कर दिया था। बावजूद रात के 11:30 तक मैं देखता रहा ये ट्रैक्टर लगातार सिंघू बॉर्डर जाते रहे। आज की सुबह वहां वैसी है जैसे बाकी 60 दिन थे, इसीलिए किसानों में जाहिर एक नाराजगी एक पक्ष ये भी है, लेकिन आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे हैं यूनियन, क्या उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक है? क्या इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, नेता नहीं है, या फिर इन नेताओं का आंदोलन पर अब कंट्रोल नहीं है? ये सवाल कल की घटना के बाद उठने लगे हैं। बहरहाल हमारी नजर आज होने वाली बैठक में आपके पास ट्रैक्टर परेड की जिद करने वाले किसान नेता कल हुई हिंसा से अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन बीकेयू नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद आंदोलनकारियों को हंगामे और बवाल के लिए उकसाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। सरकार अपना ले आइयो झंडा, झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रख यो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। कल जो हुआ क्या हुआ उसकी जिम्मेदारी आप कितनी लेते? मैं तो सारे ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी लूंगा, सारों को लेता हूं मैं। बताओ क्या हुआ? पुलिस ने नहीं देखा क्या हुआ? नहीं नहीं मैं देखा हूं, मैं जब ही तो जिम्मेदारी ले रहा, पूरे ट्रैक्टरों की पूरे किसानों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरे कहने से आए हुए। लेकिन क्या हुआ, क्या पुलिस प्रशासन ने उनको रूट ठीक दिए? क्या यहाँ पे रूट उनको जो रूट पुलिस ने दिया, जो दिया क्या रूट दिया कोई क्लियर करा? जहां पे उनने रूट दिया और पक्का मोर्चा लगाया, वो पक्का मोर्चा लगाया और दिल्ली जाने का रास्ता दिया प्रशासन ने, उसकी जांच होनी चाहिए। तिरंगा वो झंडा किसने लगाया लाल किले में, जो उस विचारधारा से आदमी है? कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आशुतोष हमें जानकारी दे रहे थे कि अलग अलग समय पर आज किसान संगठन मीटिंग करने वाले हैं, कल जो कुछ हुआ वो सबने देखा, उपद्रव की स्थिति पैदा हुई, ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर से भी क्या प्लानिंग करी गई है, इन मीटिंग्स में वो शामिल होने वाले हैं वहां के नेता? नेहा, पहले मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर का हाल दिखा दूं। जबरदस्त बैरिकेटिंग चारों तरफ इस वक्त कर दी गई है, एक के बाद एक जितने बैरिकेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इस तरफ से किसी को भी दिल्ली जाने की इजाजत नहीं है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सभी लोगों ने सभी बॉर्डर को एक तरीके से सील किया गया है, सिर्फ कुछ रास्ते खोले गए हैं। ज्यादातर किसान ये जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर देर रात तक लौट आए थे और सब दूसरी तरफ जो 60 दिनों से जमा है वो अब अपनी जगहों पर हैं। सुबह सुबह राकेश टिकैत ने बात की और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उन्होंने ली कि हाँ सारे ट्रैक्टर हमारे कहने पर आए थे, और डंडा और झंडा की जो बात थी उस पर भी उन्होंने कहा कि डंडा बगैर झंडा बगैर डंडे के नहीं हो सकता, और उन्होंने सफाई दी है। मुंबई में जमा हुए हजारों किसान अपने घर लौट चुके हैं, सोमवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए महाराष्ट्र से किसान मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने रैली की जिसमें कांग्रेस एनसीपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। गणतंत्र दिवस पर जिस वक्त दिल्ली से ऐसी भयानक तस्वीरें आ रही थी, उस समय मुंबई के आजाद मैदान में किसान कृषि कानून के खिलाफ इस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने मुंबई के आजाद मैदान में सुबह करीब 9:30 बजे झंडा फहराया। किसानों का साथ देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और कांग्रेस नेता नाना पटोले भी पहुंचे और कहा कि वो खुद भी एक किसान है, इसलिए कृषि कानून वापस लेने की किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। गवर्नर किसकी सुन रहे हैं ये पूरा देश समझता है, और गवर्नर जब तक उनको आदेश नहीं होगा जब तक गवर्नर किसान के इस आंदोलन में नहीं आ सकते, ये आपने बार बार देखा है और सुना भी है। जैसे किसान के जो हमारे नेता है, जो सरकार जिनसे संवाद करती है, तब भी कृषि मंत्री और वहाँ के जो नेता मंत्री गण रहते हैं वो जैसे किसान से बात करते हो किसी से जाके मोबाइल पे बात करते हैं और फिर बाद में किसान से बात करते हैं। तो किसके इशारे पे गवर्नर हो या देश के मंत्री हो, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं ये देश की जनता समझती है, किसान समझता है। इसलिए मैं गवर्नर जी के बारे में बहुत सारा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि जो किसान की जो मांगे है, जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने लाए वो तुरंत वापस लेना चाहिए, ये मांग हमारी किसानों की है, और उसलिए तुरंत ये कानून रद्द होना चाहिए।
झंडा फहराने के बाद मुंबई में जुटे 15,000 किसान अपने अपने घरों को लौट गए। सोमवार को आजाद मैदान में हुई रैली में इन किसानों ने दिल्ली में जुटे किसानों के साथ एकजुटता दिखाई थी। दिल्ली में हुए तांडव की तुलना मुंबई में किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से करते हुए एनसीपी मुखिया और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने हालात को समझदारी से हैंडल किया। इसकी जिम्मेदारी मैं किसान समिति के सदस्य को उनको जिम्मेदार नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक पॉजिटिव अप्रोच से डायलॉग करके इसमें रास्ता निकलना चाहिए, वो उन्होंने किया नहीं। इतने दिन ये सब करने के बाद जब किसान संगठनों ने और किसानों ने वहाँ तय किया कि कोई रैली करेंगे तो रैली शांतिपूर्ण करने के लिए उनको ठीक तरह से सहयोग देने की आवश्यकता थी, उन्होंने बात की, शायद सरकार ने उनको इजाज़त दे दी और इजाज़त देने के बाद मुझे डिटेल मालूम नहीं है, मगर जहाँ तक मैंने सुना है कि आपके मीडिया के कुछ साथियों के पास से दिल्ली के, कि उन लोगों को जिस रास्ते से आना और जाना इस बारे में ठीक तरह से सलाह देने की आवश्यकता थी वो दिया नहीं, और इसलिए वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। इस कन्फ्यूजन में वो कन्फ्यूजन वहाँ तक सीमित नहीं रहा, वो लोग जो तय हुआ था वो रास्ता शायद भूल गए होंगे या उनको मालूम नहीं होगा, दूसरी तरफ से जाने का काम उन्होंने किया और इनके ऊपर जो पुलिस दल ने जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, बर्ताव किया, इससे ये परिस्थिति पैदा हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दिल्ली में हुए उपद्रव की निंदा की। राउत ने कहा कि मुंबई में भी किसान जमा हुए थे पर नियम अनुशासन नहीं तोड़े गए। संजय राउत ने इसे इंटेलिजेंस की नाकामी बताते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो इस तांडव को रोक सकती थी। किसानों ने आश्वस्त किया था कि कोई हिंसा नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, पुलिस को ये आश्वस्त किया था, उसके बाद उनको ये परमिशन मिली है। आश्वस्त किया जाता है, जब बाबरी गिरी थी तभी पुलिस को आश्वस्त किया था, आंदोलनकारी होते, जब अयोध्या में बाबरी गिरी थी आपको मालूम होगा तब भी हम सभी ने पुलिस को आश्वस्त किया था, वहां भी इंटेलिजेंस का फेलियर था और यहां भी इंटेलिजेंस का फेलियर। महाराष्ट्र के अकोला में भी दिल्ली में जमा हुए किसानों के समर्थन में 70 ट्रैक्टरों की तिरंगा रैली निकली। इस रैली को समर्थन देने के लिए पहुंचे वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर। 2006 मध्ये काँग्रेस आणि एनसीपीने केलेली आहे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायदा करून, तेव्हा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी उत्तर द्यावं की तुमचं नौटंकी कशासाठी चालली आहे। एका बाजूला केंद्राने तुमचंच बिल आणलं, तुमचीच भूमिका केंद्र राबवतंय, मग तुम्ही असणारा आरएसएस बीजेपीचे बी टीम नाहीत का? आणि आंदोलन जे चाललेलं आहे त्या आंदोलनाला दाबण्यासाठी तुमचा प्रयत्न तर नाही? महाराष्ट्राचं शासन आहे, हा जो 2000 कायदा आहे तो कायदा आपण रद्द का करत नाही? तो कायदा आपण रद्द करत नाही याचा अर्थ बीजेपीने आणलेल्या केंद्राच्या कायद्याला तुमचा पूर्ण पाठिंबा आहे, फक्त आता नौटंकी आणि तमाशा म्हणून तुम्ही आता विरोध करताय। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिल्ली के किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और किसान जमा थे। मुंबई से मुस्तफा शेख, अकोला से धनंजय सावले और औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो। कल के हंगामे के बाद अब किसान क्या करेंगे? खबर ये आ रही है कि सिंगू बॉर्डर पर आज दोपहर 2 किसान नेता बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी 29 जनवरी को किसानों से बात करेगी।
कमेटी आज ही किसानों से मिलने वाली थी, लेकिन दिल्ली में कई जगह ट्रैफिक बंद होने की वजह से मीटिंग को 29 जनवरी के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। बुधवार को सुबह के 9 बज रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सिंघू बॉर्डर के बाहर जो बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई है वहां पर खड़े हैं। ये कुछ कंक्रीट के जो ब्लॉक से जिनसे सड़क ब्लॉक की गई थी, कल उनको धकिया कर पीछे कर दिया गया था। पुलिस पैरामिलिट्री देखती रह गई थी, जो इतने हजारों लाखों लोग और ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर की तरफ कूच कर गए थे कल सुबह। अब 24 घंटे इस घटना को बीत चुके हैं, सारे प्रोटेस्टर्स वापस सिंघू बॉर्डर में बैरिकेडिंग के पीछे वापस जाकर बैठ चुके हैं, लेकिन कल जो हुआ, जिस तरह से भीड़ उठी, भीड़ उमड़ी, बैरिकेड तोड़े गए, उसके बाद किसान लीडर्स की भी आज मीटिंग होने की संभावना है, ये देखने के लिए कि अब आगे क्या होगा। पुलिस ने दोबारा से सुरक्षा के इंतजाम वापस लगाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर भी बैरिकेडिंग कई जगह पर वापस लग गई है, मेटल बैरिकेडिंग वापस लग गई है। पुलिस पैरामिलिट्री अपनी पोस्ट पर वापस आ गई है और दिल्ली में कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। पर आज ये देखना जरूरी हो जाता है कि अब किसान नेता आगे क्या करेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ सिंघू बॉर्डर से अनिशा माथुर आज तक। हम आपको दिखाते हैं गणतंत्र दिवस के उत्सव की तस्वीरें। कल 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत माता की जय से देश का कोना कोना गूंज रहा था। गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति ने ध्वजारोहण किया और देश की आन बान और शान की भव्य झांकी निकाली गई। Marching to the awakening song of Shono Ekti Mujibure, Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical charlie. Advanced light helicopters in formation. Insertion, special airdrop and air landing.